क्या हुआ आंटी को? कैसे हुआ एक्सीडेंट आंटी का? मम्मी की कंडीशन बहुत सीरियस है, मुझे अभी 10,000 रुपए की जरूरत है, प्लीज जल्दी से जल्दी अरेंज करवा दे। तो मुझे हॉस्पिटल का नाम बता, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। अभी पैसे जमा करवाने बहुत जरूरी हैं, तो मैं तुझे एक लिंक भेजती हूँ, तू जल्दी से जल्दी उस पर पैसे ट्रांसफर कर दे। यार गर्मी कितनी है, एक एसी लेना तो बनता ही है, चलो देखती हूँ एसी का ही कुछ। अरे हाँ मैं यही एसी लूंगी, अब मैंने प्रिया को पैसे तो भेज ही दिए हैं, जो पैसे बचेंगे उसका मैं एसी ही लूंगी। ये क्या है, अरे लगता है उसको पैसे चले गए, उसी के मैसेज है। अरे ये क्या है, मेरे सारे पैसे चले गए। अरे मैं मम्मी को क्या जवाब दूंगी अब। आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे निधि के फेस और आवाज को धारण कर लिया गया एआई की सहायता से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की टेक्नोलॉजी डीपफेक की मदद से, और प्रिया के साथ फाइनेंशियली स्कैम हो गया। यहाँ इन दिनों चाहे हम एआई को न्यू इनोवेशन मान रहे हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में, पर वही एआई हमारे लिए घातक साबित होता जा रहा है। एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर वही दूसरी तरफ एआई हमारा ही डाटा इस्तेमाल कर रहा है हमारे खिलाफ। एआई स्कैमर्स और हैकर्स पूरी तरह से हमारा डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे फाइनेंशियल स्कैम्स रचने में, और आए दिन हम जैसे आम आदमी इसका शिकार बनते जा रहे हैं। इसी का एक उदाहरण थी प्रिया के साथ हुआ ये फाइनेंशियल स्कैम। आजकल हर कोई एआई की बात कर रहा है। अगर हम एआई को देखें तो एआई में हर रोज नई एडवांसमेंट देखने को मिल रही है। एआई आज का नहीं बल्कि 1950 का है। बच्चों के खिलौने से लेकर बड़ों के मोबाइल फोन में एआई है। नेटफ्लिक्स पे मूवी खोजने से लेकर एलेक्सा से बात करने तक का ये सब एआई है। अगर इसका फ्यूचर देखा जाए तो ये हमारी लाइफ में अंधेरा है, क्योंकि इंसान मशीनों पे निर्भर हो रहा है। हर छोटा बड़ा काम करने के लिए वे मशीन का इस्तेमाल कर रहा है। मशीनों का इस्तेमाल करने से इंसान दिनों दिन आलसी और शरीर से कमजोर हो रहा है। एआई की टेक्नोलॉजी में भी इंसानों की मदद करता, शायद ही कोई ऐसी फील्ड हो जहां एआई का इस्तेमाल ना हो रहा। अब वो चाहे एजुकेशन की फील्ड हो या एंटरटेनमेंट की, हर जगह एआई का यूज किया जा रहा है। लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब एआई इंसानों को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा। जहां एआई को बनाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ रही है, अब एआई AI को आपने बिजनेस और टेक्नोलॉजी में दुनिया में लोगों की जॉब्स लेते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है अब ये ट्रेंड लोगों के रिश्तों में भी आ गया है। जी हाँ, आजकल की दुनिया में लोग सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर AI पार्टनर्स रखने लग गए हैं, और इसमें चिंता की बात ये है जब लोगों से पूछा गया कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उनका कहना था कि ये रियल लाइफ रिलेशंस में से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि AI पार्टनर्स उनके साथ हर टाइम 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे ह्यूमन रिलेशंस में फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि लोग इससे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने लग गए हैं। किसी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आविष्कार के लिए ज़रूरत होती है इंसानों की, पर क्या हो जब वही इंसान का बनाया हुआ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी तरह एक AI बनाने के कैपेबल हो। ये बात पता चलती है सन 2017 के केस से कि AI खुद सीख सकता है, खुद समझ सकता है। फेसबुक इंजीनियर सोचते हैं क्यों ना ऐसा चैटबॉट बनाया जाए जिसमें ह्यूमन इमोशन हो। वो दो चैटबॉट्स बनाते हैं, बॉब एंड एलिस। दोनों को आपस में बात करवाते हैं और देखते ही देखते दोनों कंप्यूटर्स आपस में एक प्रोग्रामिंग करके नई लैंग्वेज बना लेते हैं। बहुत मुश्किलों के बाद फेसबुक इंजीनियर्स फैसला लेते हैं कि इन कंप्यूटर्स को ऑफ कर दिया जाएगा और ये चैटबॉट्स अब अवेलेबल नहीं करवाए जाएंगे। इसी को नाम दिया गया है मशीन लर्निंग। इसी से क्वेश्चन रेज होता है कि क्या हो अगर AI में सेल्फ रियलाइजेशन आ जाए और वह ह्यूमन की तरह सोचने लग जाए। आज फाइनेंशियल स्कैम्स हो रहे हैं, कल को और भी बहुत कुछ हो सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें।